और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में गैंग वॉर में एक शख्स की मौत हो गई है। अब इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें आरोपी बदमाश नादिर शाह के नाम के शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिख रहा है। बताया गया कि अफगान मूल का नादिर शाह जिम से जैसे ही निकला, उस पर अपराधियों की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। घायल नादिर शाह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग से जुड़े रोहित गोदारा और गोल्डी बराड ने ली है। तो अफगानी मूल का यह शख्स था नादिर, बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। और ये दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर ग्रेटर कैलाश में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। लगभग 10:45 बजे की घटना है। ई ब्लॉक जीके का एरिया पड़ता है। यहाँ पर एक कॉल आती है लगभग 10:45 के आसपास की, कुछ गोलियाँ चली हैं और जिसको गोली लगी है उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इससे मालूम चलता है कि नादिर अहमद नाम का एक आदमी है, इसको कुछ गोलियाँ लगी हैं, उसको मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया है। यहाँ से ये जिम चलाता है पार्टनरशिप में। अच्छा। तो इनके साथ आज किसी ने इन पर फायरिंग कर लिया। 7 से 8 राउंड गोलियाँ चली हैं कम से कम। इसके बाद रंजिश का भी कोई आइडिया, इनके जो जिम पार्टनर है उन लोगों किसी को आइडिया नहीं है, तफ्तीश कर रहे हैं।